guys, welcome to my channel. I am Kavita Patil and today I am going to show you how I celebrated my Ganesh Chaturthi. So I decided to wear a traditional sari today. इसे जो लोगों को पता नहीं है इसे महाराष्ट्र में पैठनी कहते हैं। सो गाइज, आप सबको तो पता है कि बाहर कोरोना वायरस की सिचुएशन है, कोविड-19 की सिचुएशन है, इसीलिए ज़्यादा कुछ इस बार नहीं कर पा रहे, बट मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से अपने गणपति बापा की स्थापना की है और चलिए देखिए कैसे मैंने उनकी स्थापना की है। ज़्यादा कुछ नहीं था, लास्ट टाइम की एक दिवाली के ही फूल मालाएं थी, तो वो फूल मालाएं मैंने यहाँ पे वॉल पे लगा के रखी है। एंड ऑल्सो एक चाइना लाइट अभी नहीं खरीदी है दोस्तों, बट मेरे पास थी तो वो वाली चाइना लाइट मैंने पीछे बैकग्राउंड में लगाई है और ये मैंने अकेली ने किया है गाइज, कैन यू बिलीव दिस? नहीं। सो गाइज, ये मेरे पास एक था दिवाली का ही वाज बोलते पता नहीं, बट ये शोपीस जैसा कुछ है बर्तन, उसमें मैंने लोटस फ्लावर्स रखे हैं। फिर आते हैं मेरे गणपति पापा जो कि मेरे घर में ही थे, तो मैंने बाहर से मूर्ति नहीं लाई है, अपने घर की ही मूर्ति को मैंने स्थापना की है। और ज़रूरी नहीं है गाइस कि तुम अगर आप बाहर से मूर्ति ना ला पाओ तो आप अपने छोटे से गणपति बापा को यहाँ पे स्थापना करके उनकी 6 days या 10 days पूजा कर सकते हो। सो वही चीज़ मैंने की है एंड सी माय पापा इज सिटिंग हियर और एक अखंड दिया जलाया है और जो भी फ्रूट्स मैं ला पाई वो मैंने रखे हैं उनकी पूजा में। सेकेंड थिंग गाइज, आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू दिस मोदक एंड आई मेड दिस मोदक बाई माई सेल्फ। सो एक्चुअली आई हैड सम फ्रूट कलर्स एंड वो फूड कलर्स मैंने अपने मोदक में थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कि 15 अगस्त चला गया तो मैंने सोचा एक थीम रखूँ, ट्राई कलर फ्लैग। सो दीज आर दी ट्राई कलर फ्लैग मोदक फॉर माय गणपति बप्पा। सो गाइस, टुडे आई एम गोना ट्राई अ डिफरेंट मोदक एंड लेट्स डू अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपेरिमेंट विद द मोदक। कुछ भी, दीज आर दी इंग्रेडिएंट्स व्हिच वी नीड फॉर मेकिंग मोदक। मैंने 2 बाटी सूजी लिए है, लिटिल बिट ऑफ काजू और शुगर को ग्राइंड करके लिया है विद सम कार्डियम इन इट और घी, फिर मिल्क 1 glass एंड दिस इज मोदक मेकर। लेट्स पुट सम घी इन इट। सो 2 tablespoon ऑफ घी और 2.5। ओके, we'll mix it. So, इसको अच्छे से रोस्ट करना है गाइस, अदरवाइज ये कच्चा रहेगा तो इसमें टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो जब ये मिल्क ऐड करेंगे तभी कोको पाउडर हमें डालना है बिकॉज वी आर मेकिंग चॉकलेट मोदक। सो फॉर चॉकलेट मोदक मेरे पास चॉकलेट नहीं है, सो आई एम यूजिंग कोको पाउडर, लिटिल बिट ऑफ वाटर एंड देन वी नीड टू स्टियर इट। नाउ आई एम एडिंग शुगर पाउडर, कार्डमम पाउडर जो मैंने मिक्स करके लिया था मिक्सी में, सो आई एम एडिंग दैट। ओके, सो गाइज अभी बेस तैयार हो चुका है एंड कैन यू सी ये बहुत अच्छा कलर आया है इसका, चॉकलेटी कलर आया है और ये बेस को हम ये मोल्ड में डाल के उसका शेप देंगे। फर्स्ट यू हैव टू जस्ट ऐसे प्रेस करना है इसको, फिर जस्ट प्रेस लाइक दिस और इसमें ऑलरेडी घी है तो इसको मोल्ड को घी लगाने का ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट पुट द बेस और अच्छे से फिल करने के बाद
once you fill it properly, you can just close this one. You need to close like this. And once you close, just tightly close it. और जो भी एक्स्ट्रा है निकाल लो एंड जस्ट प्रेस फ्रॉम डाउन लाइक दिस नाइसली प्रेस इट वेरी नाइसली एंड देन जस्ट ओपन द मोड द गाइस कैन यू सी दिस सो क्यूट ये गाइस आई डिड इट एंड दिस इज सो परफेक्टली फाइन सो क्यूट इट इज So guys, my chocolate modak is ready for bappa. If you do like my video, please like, subscribe and share my video. Till then, happy Ganesh Chaturthi to all of you.